तो इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में। मेरे पास मान लीजिए कुछ डेटा आता है और डेटा में क्या है कि यहाँ में कुछ इस तरह का डेटा होता है। पहले कॉलम में डेट होता है, डेट के नीचे नेम और उसके आगे सिटी होता है, उसके नीचे मेरे यहाँ पे अमाउंट और एमआरपी होती है, और इसके बीच में कई सारे सेल्स का गैप हो सकता है। गैप का कोई गारंटी नहीं है, कितना भी गैप हो सकता है, या इसके बीच में और भी कुछ वर्डिंग लिखी होती है। मतलब कि एक तरह के स्टेटमेंट है जो कि हमने कन्वर्ट किया हुआ है एक्सेल में, लेकिन ये सही तरीके से आया नहीं। अब मुझे एक तरीके में लाना है ताकि मैं इस पर एनालिसिस कर सकूं। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ डेट डालूं, यहाँ पे नेम हो, यहाँ पे सिटी हो, यहाँ पे अमाउंट हो और यहाँ पे हमारा एमआरपी हो। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और प्रोजेक्ट को करके भेजिएगा। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है, एक जनरल प्रॉब्लम है कि जब हम डेटा को लेते हैं तो डेटा हमारा अरेंज फॉर्मेट में नहीं आता है, बट उसको हमें एनालिसिस करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए कि अरेंज फॉर्मेट में रखना पड़ता है। तो पुनीत जी, प्रॉब्लम समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है? जी अब इसको मैनुअली कॉपी पेस्ट करोगे, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि मान लीजिए अभी तो 4-5 महीने ऐसे सैंपल के लिए रखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 4-5 हज़ार हो या 4-5 लाख हो। तो चलिए इसके लिए तरीके देखते हैं। हम सबसे पहले एक प्लस करते हैं एक साइन को, और यहाँ पे हमारे पास डेटा है और यहाँ पे हम फॉर्मूला देते हैं इज नहीं, अब मैं यहाँ पे ईयर निकालता हूँ ईयर, क्योंकि इसके आगे हो सकता है कि डेट हो या डेट के नीचे और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है ना सर, इसलिए हमने, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कॉलम डेट के अलावा खाली हो। बस एक छोटा सा पैटर्न है कि मेरा डेट होगा, डेट के नीचे दो कॉलम में नेम और सिटी होगा, उसके नीचे हमारा दो कॉलम में हमारा अमाउंट एमआरपी है, बस इसके अंदर एक यही पैटर्न है, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है। तो मैंने ईयर का फॉर्मूला निकाला जिस कारण से यहाँ पे ईयर निकल गया। कंडीशन हुआ कि इफ अगर ईयर इक्वल टू 2021 देन मैक्स, A3 से A3 हमने किया +1 अदरवाइज ब्लैक, और नीचे ड्रैग करने से पहले इस A3 को मैं फ्रीज कर दूंगा। इससे होगा क्या कि जितने भी डेट्स हैं सबको एक सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, एक सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा जितने भी डेट्स हो। अब मैं यहाँ पे जहाँ मुझे रखना है वहाँ पे मैं सीरियल नंबर दूंगा 1, और यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इफ इसमें +1 करने पे अगर वो मैक्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, यहाँ मैक्सिमम फॉर्मूला से पता चलेगा कि मैक्स ऐसा हुआ तो ब्लैंक अदरवाइज ऊपर में +1 कर। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर सकता हूँ लेकिन इसमें एरर आने के चांसेस है, इसलिए मैं यहाँ इफ एरर का इस्तेमाल करता हूँ, इफ एरर, और इसको मैं यहाँ से ब्लैंक कर देता हूँ। फिर एंटर प्रेस किया और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो उतना ही सीरियल जनरेट होगा जितना कि हमारा यहाँ पर है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल यहाँ वी लुकअप लगा सकते हैं, वी लुकअप या मैच, मैच सही रहेगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके सामने तो सब नहीं है ना, इसलिए मैच लगाना उचित रहेगा। मैच हमने लुकअप वैल्यू को लिया और अपना डेटा में गया और सर्च किया, पता चला कि चौथे नंबर के ऊपर हमारा 1 है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ किसका, ऑफसेट का, इसको इस मैच को ऑफसेट के अंदर में डालता हूँ कि ऑफसेट A1 से स्टार्ट है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑफसेट में हमें एक माइनस करना पड़ता है रो एंड कॉलम इज 1, डेट आ गया। मैं A1 को फ्रीज करूं और नीचे ड्रैग करूंगा तो सारे डेट्स हमें दिख जाएंगे। मैं
अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, दूसरे शीट में नेम के लिए पेस्ट करता हूँ। इसमें हमें माइनस वन जो हमने किया उसको हटा देता हूँ, क्योंकि नेम जो है नेम जो है हमारा जो डेट है उसके नीचे है, इसलिए एक बढ़ा देता हूँ। और कॉलन ये हमारा दूसरे कॉलम में है, तो ये देखिए सबका नेम यहाँ पे शो कर देगा। फिर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा टू था वहाँ हम थ्री कर देंगे तो दिल्ली सिटी निकल जाएगी। फिर मैं वापस इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और अब यहाँ पे क्या है कि अमाउंट जो है चौथे नंबर कॉलम में तो है लेकिन रो एक नीचे है, तो हम इसमें प्लस वन कर देते हैं, तो हमारा अमाउंट भी शो कर दिया। और सेम यहाँ हम इसमें प्लस वन और पांचवा नंबर दे देते हैं, प्लस वन एंड पांचवा नंबर, तो रिकॉर्ड्स आ। अब जैसे रिकॉर्ड्स बढ़ेंगे, जैसे कि मैं इसको कॉपी किया और यहाँ हमने पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए बढ़ गया सर। जैसे जैसे रिकॉर्ड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका भी यहाँ भी हमारा रिकॉर्ड्स बढ़ता जाएगा। तो पुनीत जी, अहसमद जी, कामरान जी, कैसा रहा आपको? क्या बोले पुनीत जी, कोई डाउट इसमें? नहीं, समझ। अब चलिए इसमें हम अगला एग्जांपल बताते हैं। अगला एग्जांपल आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको आपको करना है। तो डेट हमने यहाँ पे डाला, सॉरी यहाँ पे डेट होगा हमारा, और डेट के नीचे नहीं, हाँ डेट हमने डाला, उसके नीचे हमारे पे नाम है, नेम पूजा। अतुल जी सर, जी सर, मैं एक्चुअली टाइमिंग का। ओके ओके, तो 9:30 से होगी आप लोगों का क्लास? 9:30 से कर दिया, भूल गया था सर। नहीं, मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा था। रिकॉर्डिंग देखी थी आपने? नहीं देख पाया सर, मैं कुछ होम टाउन आया हुआ अपने गांव में, तो कुछ पर्सनल इश्यूज थे उसकी वजह से नहीं ध्यान दे पाया हूँ। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। ठीक है, देता हूँ। तो अब डेटा मेरे पास कुछ इस तरह का है, इस तरह का डेटा है यहाँ पे हमें आया हुआ है। अब यहाँ पे नेम हम चेंज कर सकते हैं, डेटा आपके सामने है। अब इसमें क्या है, पैटर्न देखिए कि डेट है, डेट के नीचे पूरा डेटा डला हुआ है, उसके नीचे नरेशन लिखा हुआ है कि डेबिट फ्रॉम एबीसी, डेबिट फ्रॉम मतलब कि कंपनी का नाम है, और क्रेडिट है तो क्रेडिट कंपनी का नाम है, यहाँ पे उदय वर्मा रख दिया मैंने,
यहाँ पे नाम दिए गए हैं। अब इस डेटा को अरेंज करना है कुछ इस तरह से कि यहाँ पे डेट आना चाहिए, यहाँ पे नेम आना चाहिए, यहाँ पे सिटी डी आर, यहाँ पे सी आर, और डी आर सी आर के बाद यहाँ पे फ्रॉम भी देना पड़ेगा हमें, फ्रॉम, और यहाँ पे बैलेंस। अगर मैनुअल करोगे तो क्या करना होगा कि डेट को कॉपी करके आपको यहां रखना है, उसके बाद नेम और सिटी को कॉपी करके आप नेम सिटी के नीचे रखें। अब फ्रॉम यहां एबीसी है तो ये आपको यहां पे एबीसी करना है। अब यहां डीआर डला हो रहा है इसलिए अमाउंट जो है डीआर वाले सेक्शन में चला जाएगा। नीचे सेम हमारा डेट है तो डेट को सेम हम डालेंगे, होम नेम और सिटी इसी के नीचे आएगा, कंपनी एबीसी है एबीसी रहेगा, लेकिन ये सी आर है क्रेडिट है तो ये क्रेडिट वाले कॉलम में जाए। अब आपको ए बनाना है, ठीक है सर। एक पर मैंने दिया, दूसरा एग्जांपल आपको लेना है, हो जाएगा सर। सर इसका वीडियो सर देख लो, देखिए इसकी वीडियो मैंने कल जो एक वीडियो शेयर की है आप लोगों ने शायद देखा नहीं उसको ना। सर कल वीडियो भेजी थी उसको देखा था आपने? नहीं सर मुझे कोई वीडियो भी नहीं आया था। व्हाट्सएप पे चेक कीजिए एक मिनट सर। हाँ आया था सर, आया था, मैंने देखा नहीं सर। क्या बात करते सर, 24 घंटा पहले वीडियो भेजी आप 24 घंटा में देखे नहीं।